वेलकम टू आवर चैनल प्यार सेवन झारखंडी फ्रेंड्स। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है वो झारखंड के बोकारो डिस्ट्रिक्ट के इतिहास के बारे में और बोकारो के स्टील प्लांट के इतिहास के बारे में। बोकारो जिला भी मानभूम जिला का ही एक हिस्सा था। मानभूम जिला जो 1833 में बना था, 24 अक्टूबर को जो धनबाद बना था। फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए आपको मानभूम का भी हिस्ट्री देखना होगा, तो उसका एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। बोकारो जिला धनबाद से अलग बिहार राज्य में ही हुए थे। फ्रेंड्स, बोकारो के उत्तर में गिरिडीह, पश्चिम में हजारीबाग, दक्षिण में पुरुलिया और पूर्व में धनबाद जिला है। फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 1991 के धनबाद जिला के बड़े हिस्से को काट कर चास प्रखंड, चंदन क्यारी प्रखंड और गिरिडीह जिला के बेरमो अनुमंडल के 6 प्रखंडों को मिलाकर बोकारो जिला का निर्माण हुआ था। फ्रेंड्स, कोई अगर बोकारो से है फ्रेंड्स तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। 1 अप्रैल को हमारा अपना बोकारो मिल गया था। चलिए जानते हैं फ्रेंड्स कि बोकारो अपने स्टील सिटी के नाम से क्यों इतना फेमस है। तो द हिस्ट्री ऑफ बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 29 जनवरी 1964 को हुआ था। 1965 को भारतीय तृतीय पंचवर्षीय योजना और सोवियत संघ रूस की सहायता से इसके कारखाना बनने का काम शुरू हो गया था। फ्रेंड्स, इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी और इसका विलय बाद में सेल कंपनी में हो गया। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। फ्रेंड्स, कारखाना के काम पूरा होने के बाद 2 अक्टूबर 1972 को कारखाना का उद्घाटन किया गया और पहली धमन भट्टी चालू भी हुई। फ्रेंड्स, कारखाने का उद्घाटन फ्रेंड्स भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किए थे। फ्रेंड्स, जो आज फ्रेंड भारत के दूसरे सबसे स्टील उत्पादन बड़ी कंपनी है फ्रेंड्स टाटा के बाद, जिसका दृश्य कुछ ऐसा है। बोकारो से जो इंपॉर्टेंट झारखंड जी के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। कमेंट करके जरूर बताइए फ्रेंड्स कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू।